हाँ जी, राम राम सा मंजू सेसमा ब्लॉग चैनल पर तुम बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूँ बढ़िया होला और मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अभी पर आप बात करा ला। जब मान लो कि हर गांव में हर घर के मायने समथिंग गाय तो मिली जाए, हर घर में एक या दो कहीं अगर जहाँ दूध की डेयरी कर रखी है वहाँ पाँच चार भी मिल जाए ही, तो गाय लगभग हर घर के मायने मिला है। जखा गाय रखे हैं वहाँ छोटा बछड़ी बछड़ा भी हुए हैं। और जियाँ ही मान लो कि सावन बाद वो असोच जहाँ भी मतलब तीन चार महीना का मान जाए चौमासा की रुता सीन छोड़ दें तो यहाँ भी ही, लेकिन जब चौमासा की रुता होने भी टाइम पर छोटा छोटा 20 दिन का नहीं छोड़ जाए, मन्ना खाने भी छोड़ जाए, दो महीना तक तो रखेंगे नहीं बाछड़ा बाछड़ा, मतलब सारा ने सड़क के सारे सारे सगड़े गाँव के मायने छोड़ दें, कोई तालाब में छोड़ देवें। तो भाई अपा एक गाय रखा अगर तो भी अपन दूध भी खावा, दही भी खावा, छाछ भी खावा और अपन चाहे मुनाफा अपना दूध बेचा भी। हाँ, एक गाय को दूध नॉर्मली अपन 40 रुपये किलो बेचते वहाँ, तो अगर कहें कि जो बछड़ी बछड़ा अपन छोड़ रहा हूँ बाकी माँ के 8 किलो निकले, कहें कि 6 किलो निकले, समथिंग 5 किलो कम तो कोई गाय के दूध निकले भी को नहीं, ठीक है। तो अपन अगर 4-5 दिन को दूध बेच और बाका रुपया ले अपन वहाँ बछड़ा ने गौशाला में गला दें तो अपने लिए बहुत ही धर्म को काम हो जाए। सब पहले तो बापड़ा ने बन छोटा ना अपन सड़क पर छोड़ा, बस सड़क पर छोड़ा ना बन खाएं कुत्ता छोटा बछड़ी बछड़िया छोड़ दिशा सड़क पर। सौ पहले तो वो अनजान रहसी बिना अपन खूंटा पर बन जड़ो रंग सियाना, वो मतलब बारह एकदम से ले जा छोड़ सियाना भी एकदम से हाउ जाए कि अपन की जगह छोड़ दियो ले जा, ठीक है। जब वो सड़क पर 1-2 दिन उन्हें को उन्हें भाग सी, दूसरी बात गाँव का 4-5 घंटकड़ा होर बा बछड़ा ने बापड़ा ने जीवता ने खा जाए ही जीवता ने खा जाए तब बाकी कत्ती बुरी दशा हुआ। एक बार तो खुद पर ले सोचो कि अपन अगर जीवता ने कुत्तों खा रहे है तो अपन में कत्ती बुरी अपने दर्द हुए, तकलीफ हुए, अपनी आत्मा कत्ती रोवे कि अपन जीवता ने कुत्तों खा रहे अपने दर्द हो रही है, ठीक है। तो सौ पहले खुद पर लेट सोचो कि बाकी हालत के हो रही है, बाकी भी जीव है वह पशु है ना खाई में बाकी भी जीव है, ठीक है। दूसरी बात कि बाकी वह कहेंगे सड़क पर 1-2 दिन उन्हें का उन्हें भागे अचानक सुन कोई साधन का सामना आ जाए, वे मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है, कोई ट्रक है, कोई बस है, वहाँ सामने अचानक सु निकले वे सड़क पर उन्हें का उन्हें भागे वे 5-4 दिन जहाँ रहे हुए जना, तो बाकी कोई साधन वालों टक्कर दे जाए, कोई तो जियाँ तुरंत मर जाए हैं, कई मतलब है पड़िया रह जाए जना बस सड़क है सारा सारा पड़िया पड़िया सिड़बो करें, लेकिन अपन मतलब कोई भी जारवान पानी कौन पास के कोई भी जारवान पूछ कौन मिल सके क्योंकि वहाँ उबो को नहीं हो जाए, लेकिन अपने में अतो धर्म को नहीं कर सका आप कि बन आप पानी पा दे वहाँ तावड़ा में पड़े रहे तो वो तावड़ा में भी पड़े रहे, बस चीड़र भी जगह गलर मर जाए तो भाई 1 दिन जीवें, 2 दिन जीवें, 3 दिन जीवें, बाकी आत्मा कती रोवे है भाई एक बार खुद पर ले सोचा करो, ठीक है। तीसरी बात कि जखो भाई भी का माल अचानक भी कोई साधन का सामना आएगा या तो देखो मारबान कोई भी कौन सोचे, लेकिन अचानक सामना आ जाए तो मोटरसाइकिल लड़ो अगर पड़गो नीचो तो भी का कत्ती चोट लागे, ठीक है, भी का कत्ती चोट लागे, कत्ती भी मोटरसाइकिल को नुकसान हो रही है। भाभी एक बार सोचे वह भाण भाई भी ही ने जगह वह अपना ही वह दूसरा कोई मतलब अपना गाँव में छोड़ सें तो अपना आस पास का इलाका का अपना बैठे निकल वाला ही दूर का तो कई कदे कदे आवे ही, ठीक है, तो वह भी अपना ही इंसान है तो वो भी अपना ही नुकसान हो रही है। तीसरी बात कि आपने मेलों के मायने भंडारा लगावा, मेलों के मायने बार जियाँ सावन भादवा के मायने तो बहुत ज़्यादा भंडारा सड़कों के सारे सारे लगाएड़ा रोंग सी मेला सी बड़े जूस पकौड़ा जलेबी इन्हें खुआसियाँ लोगों ने जखांगन सब कुछ है, सब कुछ है जखा लोग बने मतलब जूस पासी ने आधो गिलास पीसी दो गुटिया ले सी भी गिलास ने बठे ही फेंक देसी। पहली बात तो आप कचरों फैला रहे हैं भाई प्लास्टिक वाला गिलास बठे ही फेंक देसी ना वो कचरों फैल रहे, दूसरी बात वो जूस जो आप पावा वो वेस्ट जा रहे, ठीक है, कोई मतलब को नहीं है वेस्ट जा रहे वो कोई मतलब को नहीं, 1-2 गुटियों ले सी बिन फेंक जैसी, 1-2 गुटियों ले सी फिर फेंक जैसी, आपने जो रुपया लगाया वहाँ कोई धर्म कोई पुण्य कोई कुछ को नहीं है, ठीक है। वहाँ के बगैर अगर आप भंडारा लगवा कोई मान लो कोई मिठाई को लगवा दियो या फिर पकौड़ा जो समोसा कचोरी वहाँ को लगवा दियो तो वह आधा 2-4 गैस ले से लोग आधा खार बगा दी सी बटे तो पगों के मायने रुलता फिरया करें बस सारा, तो वो एक आपा तो अपन गनु धर्म को काम करा, लेकिन भी मैं कुछ धर्म को नहीं है बगन सब कुछ खाबान है, आजकल हर इंसान गन सब कुछ खाबान है, कोई एक आधो इंसान है जखागन खाबान बिन दो वक्त की रोटी को मिले बाकी सब लोगों गन है। तो फिर आप वो काम अगर आप बछड़ा ने गौशाला के माए डालर एक गायों के नाम से कुछ वो दान कर दें तो वो भी दान बटर तो कोई दान है भी को नहीं, लेकिन आप इस चीज़ ने बहुत कम सोचा हाँ बहुत कम सोचा हाँ, ठीक है। सारा मतलब हर जगह आप दारू का मान उड़ा देसी, एक दिन का मान 1,500-2,000 रुपया बैठ सके दोस्तों के साथ में पार्टी कर ले सी, और ये जी भाणा जी गायें रखे ने यह सारी दूध बेच बाद में वह बछड़ा थे बड़े सड़क में तालाब पर गांव का मायने छोड़ रहा हो ने बाकी आत्मा बहुत रो है थाको वहाँ बछड़ा के साथ में लगाव को नहीं हुआ, लेकिन वह आपकी दिरानी ने बहुत लगाव रखे पशु यान की चीज़ हुआ जान 5-10 दिन भी कुछ रह जाने भी को लगाव जाए, ठीक है। तो अन्य सड़कों पर मत छोड़ो, अन गौशाला का मायने गलवाओ, सारा ने जता भी
पांच दिन को थे दूध बेचो वो पांच दिन को मुनाफो कम खा लियो और अन बापड़न गौशाला में गलवाओ जो अन कुत्ता कौन खाए। ए हर भाई के सामने भी सड़क पर अचानक सुखो निकले और वे जो अवारा पशु बोला ना अपना वे सांड बन बनर अपन मार्केट में मारे ही वे सांड ही आमो ही कुछ बचड़ा जका बच जा ही ना जका मतलब थोड़ा होशियार अपन वन छोड़ दिया हाँ थोड़ा तेज टाइप का भी वे आमो ही निकल निकल अपन लास्ट में अपन मारे वे सही करे अपन वे मारे क्योंकि वह अपनी गलती को नतीजो है वो अपन मारे ना मार्केट के मायने। तो और तीसरी बात की जखी ए मान लियो कि जो आसपास में अपने आसपास में तालाब है कोई नाड्या है छोटा जखा का मायने अपना अपना फसु चरावा हाँ अगर आ का मायने सरकार पाबंद लगा अगर आ गायों के लिए जखी मान लियो कि पंचायत के अंतर्गत जो भी गौशाला आवे हैं या मान लियो भी पंचायत में जती भी नाडा तलाई जो भी हैं वहाँ का अगर तारबंदी खिंचवा के और आ सावण बाद वहाँ का मायने जती भी हैं अन्न चराबन जो गौशाला की गायें हैं छोटा बचड़ा ही अगर अन्न चरावे तो बहुत धर्म को काम हुए लेकिन अपना चराबा देवा ही कोई नहीं अपना नाडा तलाया का मायने तो आधा आप खुद बस रहा अगर जखा के सारे नाडा तलाई लाग रही आधा तो खुद बस रही कुलडी भी कमाए देड़ी रंग सी पूला भी कमाए ने पूछ चारो ढांडा भी कमाए ने वाडेड़ा रंग सी चौरासी चौबीस घंटा चाहे घर खेत चाहे सोबी का पड़े रहे पर वो नाडा तलाया हम तो इं लाग रहे कि इस जगह तो सोनू ही उपज रही ठीक है। तो सौ बलिए मेरे खबा मतलब वो है कि थे अब अच्छा नहीं है मत छोड़ो आने ले जा गौशाला कमाए डलवाओ और जितना भी थक गए सहयोग हुए ने गौशाला कमाने की तो सहयोग अपन बन पड़े है बतो थे सहयोग करो फालतू खर्चा कमाए ने जो आप लगावा भंडारा वगैरह कोई लोगों का धर्म के लिए गरीबान कड़ा कामल बांटना हाँ कड़ा खाए भाई कामला बाड़ा पर बगैड़ी पड़ी रहे कोई भी कोई ओडे बन कोई सोमा एक आधो इंसान ओडा है बाकी भाई यहीं पड़ी रहे ठीक है। आप कोई एक जो एक्स्ट्रा कराने खर्चो बाकी बजाय अगर आप गौशाला में देवा तो बहुत पुण्य को काम हुए थाना मेरी राय कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और हाँ दूसरी बात मेरे के कमेंट अवला के दीदी थे तो थकड़ा हो बछड़ मन गौशाला में छोड़ोगे तो सौ पहली तो मेरे बछड़ा ने जो बची हुए मैंने तो छोड़ा ही को नहीं कसी की वे चाहिए बिन तो पार्लर में गाय ही बनावा काई भी हालत का मायने और बछड़ो अगर ले आई तो बिन में गौशाला का मायने बारह महीना के बाद में गलवावा बारह महीना पहली तो मेरा परिवार मंगाए कोई बछड़ो छोड़े भी कौन नहीं क्योंकि बारह महीना पहले अपना गौशाला का मायने छोड़ दें तो गौशाला के मायने भी वो खागलो ही मिले भी चौमासाल टाइम तो चलो घास फूस मिल जाए है लेकिन यहाँ वो खागलो रहे तो छोटा बछड़ा बियाँ भी मर जाए हैं तो इसलिए मैं बारह महीना बाद में छोड़ा बारह महीना मन फूस गाल पाऊँ मारे कदे ही कमी को नहीं आवे ठीक है। एक बार सोच हुआ है अपनी माइंड लिए सोच यान क्यों जाएगा इन तो छोड़ दे रहो तो बिना काम को ही है कई कई तो मन दूध कौन चूंगा बापड़न पाँच चार दिन चूंगा सी और बाद में कहीं मर जाए तो कहीं बिगड़े मैं तो मतलब लोगों की सोच सुनकर खुद हैरान हो जाऊँगी मतलब आंखें जीव कौन के भैया ना आप पाँच दिन बाद में आ गई माँ को दूध आने कौन चूंगा आप सोचो आप मनुष्य तो स्वार्थ ही हो आज ये आप छोटा छोटा जानवरों के लिए आप मतलब फिर बोला कि मैं धर्म को काम करा यूँ बड़े धर्म पाप तो हुई कौन से कर कि थे छोटा जानवर ने थे वन दूध कौन पाओ ठीक है बाकी माँ को खुद गुनो अपन लेर तो कोई पाई कौन सका वन बाकी माँ को दूध गुन पी बने पाँच दिन ओनली पाँच दिन अतः स्वार्थी होगा आप ई बाग दौड़ की दुनिया कमाई ने ठीक है आ पीसा का लालच कमाई ने पीसा ओ धन ओ दौलत आ जमीन आ जायदाद ए जो आप अपना टाबरों के लिए कर रहे हैं त्या मेल माड़िया जो भी बना रहे हैं एक दिन इस गए रजाला ए जो धर्म करम ए अपने सागे चालवा का ही अपनो व्यवहार उस आगे चालवा को है तो ई लिए पाँच रुपया खर्च कर अन गौशाला कमाई डलवाओ अन ऐठे सड़कों पर मत छोड़ो ताकि कोई भाई को एक्सीडेंट न हो और ए बापड़ा सुरक्षित रहे। तो राम राम साहे राय बढ़िया लगी है तो वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए नहीं लगी तो कोई बात नहीं।